ये देखिए, ये ले लिए मैंने तरबूज के छिलके, और इनको अच्छी तरह से धोकर साफ करके इनके छिलके उतार लिए, और जो हमारा अंदर थोड़ा बहुत लाल लाल सा पार्ट बच जाता है उसको भी निकाल दिया, और इसको इस तरह बारीक टुकड़ों में काट लेंगे। ये देखिए मैंने इस प्रकार से सारे काट लिए हैं। ये देखिए इन सारे टुकड़ों के कटने के बाद मैंने एक भगोने में पहले से 1 लीटर पानी रख दिया था गैस पर, वो गर्म हो चुका था, और इसमें मैंने ये सारे टुकड़े डाल दिए। अब इसको हम पकाएंगे तब तक इनका कलर चेंज ना हो जाए या फिर ये ट्रांसपेरेंट से नहीं दिखने लग जाए। ये देखिए हमारे अब ये पक चुके हैं। इनमें पकने में ज़्यादा समय नहीं लगा, बस 7 से 8 मिनट का समय लगा होगा। और अब हम इनको पानी से अलग कर लेंगे, एक छलनी लेके इनको छान लेंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। ये देखिए अब हमारे ये छिलके अच्छे से पक चुके हैं, और अब फिर से हमने ले लिया वही भगोना, और इसमें मैंने ये डाला 1 कटोरी शुगर सिरप। मेरे पास शुगर सिरप था इसलिए मैंने चीनी का इस्तेमाल नहीं किया, और इसमें मैंने डाला 1 कटोरी नाप से लिया, और उसमें 2 कटोरी पानी डाला शुगर सिरप के साथ। अगर आपके पास शुगर सिरप नहीं है, मेरे पास था इसलिए मैंने इस्तेमाल कर लिया, तो 1 कटोरी चीनी ले और उसमें 2 कटोरी पानी डाले, और उसको अच्छे से मेल्ट कर ले, और मेल्ट होने के बाद हम जो ये छिलके हमने पका के तैयार करे थे ये डाल लें। ये देखिए मैंने इसमें डाल दिए हैं गर्म होने के बाद, और अब इनको हम अच्छी तरह से पकाएंगे। अब भी इनको 8 से 10 मिनट ही पकाना है ताकि ये अच्छी तरह से हमारे मीठे हो जाए। अब इनको चेक कर लेंगे। ये देखिए मैंने कुछ निकाले चम्मच में, और देखा तो ये अंदर से थोड़े वाइट वाइट से होने स्टार्ट हो गए थे, इसका मतलब इसमें शुगर सिरप अंदर तक जा चुका है। और अब इसमें मैं डालूंगी कुछ बूंदे वनीला एसेंस की, अगर आपके पास है तो इसको डालिए वरना स्किप कर सकते हैं। ये हम बनाने जा रहे हैं टूटी फूटी, और अब इनको मैंने अलग अलग 4 बर्तनों में निकाल लिया है, और जो इसका शुगर सिरप है वो भी इसके अंदर ही डालना है, इसे हमें बाहर निकाल कर नहीं डालना। और अब इसमें मैं ऐड करूँगी फूड कलर, इन चारों में मैं फूड कलर ऐड कर दूँगी, और फूड कलर ऐड करने के बाद इनको एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैंने ये पाउडर वाला फूड कलर लिया है, आपके पास जो वो ले ले। ये देखिए चारों में डालने के बाद इनको एक बार चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, और इसको मिक्स करने के बाद हम 2 से 3 घंटे के लिए ऐसे ही रखकर छोड़ देंगे। ये देखिए हमारा कलर मिक्स हो चुका है, और ये देखिए 2 से 3 घंटे इनको ऐसे ही रखने के बाद इनका कलर देखिए अच्छे से हरा हो गया, और जो रेड था उसमें रेड हो गया, इसलिए इनको 2-3 घंटे के लिए छोड़ देंगे, और उसके बाद हम इनको इस शुगर सिरप से निकाल लेंगे। ये देखिए छलनी में डाल दिया मैंने। इसी तरह से दोनों कलर के ये जो हमारी टूटी फूटी है अलग अलग करके मैंने इनको छान लिया था, और जो ये हमारा शुगर सिरप बचा था इसको भी मैंने अलग अलग करके डाल लिया था ताकि हम इसको फेंकेंगे नहीं। अगर हम नींबू पानी बनाना है या फिर कुछ और शरबत हमें बनाना है तो ये हमारा कलरफुल बन जाएगा, और इसको हम किसी भी शरबत में यूज़ कर सकते हैं। और अब इनको मैं 1 दिन के लिए पंखे की हवा में सुखाऊंगी, या फिर आप धूप में भी इसको सुखा सकते हैं, और देखना ये बाज़ार से भी अच्छी टूटी फूटी बनकर तैयार होगी, मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। ये देखिए इस तरह से मैंने फैलाकर एक छलनी ले ली और उस पर अच्छी तरह से सारी फैला दिया, और ये देखिए 1 दिन के सूखने के बाद ये हमारी टूटी फूटी कुछ इस तरह से बनकर तैयार होगी।